फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच अब अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच खेला जाएगा। डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस ने मोरक्को की टीम को 2-0 से करारी शिकस्त देकर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। फ्रांस की ओर से थियो हर्नांडेज और रैंडल कोलो मुआनी ने एक एक गोल दागा। अब फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच 18 दिसंबर को खेला जाएगा। इससे पहले फ्रांस ने 3 बार फाइनल खेला, जिसमें 2 बार 1998 और 2018 में खिताब भी जीता, जबकि 2006 में उप विजेता रही थी। फ्रांस की जीत के साथ ही फैंस के चेहरे खुशी से चमकने लगे। लोग पेरिस में सड़क पर उतर आए और जश्न शुरू हो गया। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा फ्रांस, प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह। पेरिस की सड़कों पर लोगों ने मनाया जश्न। रोमांचक मैच में मोरक्को को 2-0 से फ्रांस ने हराकर फाइनल में जगह पक्की की। अर्जेंटीना से फाइनल में होगी फ्रांस की टक्कर। फ्रांस की जीत के बाद जहां पेरिस में जमकर जश्न हुआ, तो मोरक्को की हार के बाद गुस्साए प्रशंसकों ने हंगामा किया और कई जगहों पर पुलिस के साथ झड़प की भी खबर है। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में फ्रांस पहुंच चुका है। ये आपको फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ी बड़ी खबर और अहम अपडेट दे दें। रोमांचक मैच में मोरक्को को 2-0 से फ्रांस ने हराया और फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। अर्जेंटीना से फाइनल में होगी फ्रांस की टक्कर। तो जीत में पेरिस में जोरदार जश्न हुआ। जीत पर पेरिस में आप देखिए जश्न की ये तस्वीरें। आतिशबाजी सड़कों पर की गई प्रशंसकों द्वारा। जोश और उत्साह लोगों का देखते ही बन रहा था। मोरक्को को हराकर फाइनल में फ्रांस पहुंच चुका है, लेकिन हार से गुस्साए समर्थकों ने सड़क पर हंगामा बरपा। मोरक्को की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं।